आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है एंड यू आर वेटिंग कि दी हमें हमारे पर्टिकुलर स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम अगर हमें इस साल कोई चांस नहीं है कॉलेज मिले। सो दिस इज द करेक्ट वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि आरयूएचएस में अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको किस टाइप का कॉलेज मिल सकता है। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि भाई काउंसलिंग इज अ बिग स्कैम फॉर आरयूएचएस, बिकॉज काउंसलिंग आप लोगों का अब तक अनाउंस हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक राजस्थान आरयूएचएस की साइड से काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेरिजन करो तो भाई लास्ट ईयर आरयूएचएस की जो काउंसलिंग थी ना वो मार्च तक चली थी। अब हमारे बच्चों का ये कंसर्न आ रहा है कि मैम अगर हम लोग मार्च तक वेट करेंगे हमें सीट नहीं मिलता है, मार्च में जाके मुझे पता चलता है कि मुझे कोई सीट नहीं मिली तो मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा 25 के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए सो देट आपको अभी क्लियर कट आंसर मिल जाए कि आपको एडमिशन के लिए रुकना चाहिए, काउंसलिंग के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज जैसे ही आरयूएचएस का काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा टिल द डेट ऑफ द काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ द काउंसलिंग आप लोगों को सारी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक मेरे ही चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करती हूँ भाई आरयूएचएस के बारे में। सो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज जो रहता है हमारे बच्चों का वो रहता है एसएमएस की दी हमें एसएमएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप प्लीज एक बार वो बता दो। तो मैं आप लोगों को एक बार एसएमएस की कट ऑफ बता देने वाली हूँ कि भाई एसएमएस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर है 90 तक, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपका स्कोर है 88, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका स्कोर है 84, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपका स्कोर है 80, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपका स्कोर है 76, अगर आपका स्कोर है इतना या इससे प्लस तो मैं बोलूंगी कि भाई आपको एसएमएस मिलने के पूरे पूरे चांस है। भाई अब आप बोलोगे कि ये तो हर कोई बता रहा है, एवरीवन इज सेइंग सेम। आज का मेरा फोकस रहेगा हमारे वो बच्चे जिनका स्कोर है लेस देन 50। भाई लेस देन 50 वाले बच्चे हमारे कंफ्यूजन में बैठे हैं कि दी हमारे लिए प्लीज वीडियो बनाओ, हाई रैंकिंग वालों के लिए तो हर कोई बना देता है, लो रैंकिंग वालों के लिए कोई नहीं बनाता। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की सेशन में ये बताऊंगी कि भाई आप लोगों को क्या करना है। पहली चीज, जिन भी बच्चों का स्कोर है लेस देन 50 तो उनके लिए स्टेप वन रहेगा कि आपको जो इतने भी कॉलेजेस टारगेट करना है वो जितने भी न्यू प्राइवेट कॉलेजेस हैं सारे नए प्राइवेट कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं अगर आपका स्कोर है 50 से कम। एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर आपका स्कोर है 45 तक तो आपको एक नया प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। आप ओबीसी कैंडिडेट हो आपका स्कोर है 43 तक तो आपको सीट मिल सकती है। एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40 अराउंड आप मान के चलो 39 पे भी मिलने के चांसेस हैं, राइट। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो एससी वाले को 33 और भाई हमारे एसटी कैंडिडेट को तो 30 नंबर पे भी प्राइवेट, और वो भी नए प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, ये नए प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर आरयूएचएस स्कोर। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई अगर हमें नए प्राइवेट कॉलेजेस इतने पे मिल रहे हैं, अब नेक्स्ट चीज आपको पहला ऑप्शन आपको नए प्राइवेट कॉलेजेस, सेकंड ऑप्शन आपको जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कितने स्कोर पे मिल सकते हैं, या फिर मीडियम रेंज वाले जो कॉलेजेस हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का अगर स्कोर है 48 तक तो आपको मिल जाएगा, ओबीसी वाले का है कंपैरिजन करके दिखाऊंगी मैं आपको 45, ये आप 50 तक मान के चलो कि भाई इतने रेंज में आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले का 42 से लेके 48 तक मिल सकता है, एससी कैंडिडेट में 38 से 40 तक मिल सकता है, और एसटी कैंडिडेट में 30 से 35 के बीच में अगर स्कोर है तो आपको सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप दोनों में कंपैरिजन भी देख सकते हो, 2 से 3 नंबर का सारी कट ऑफ के अंदर कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई आपके माइंड में आ रहा होगा कि दी कौन से टॉप कॉलेजेस आते हैं प्राइवेट के और कौन से मीडियम है, कौन से नए न्यूली ओपन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर ही जाना है, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस में ही आपको
RUHS INC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप राजस्थान के सारे स्टेट के कॉलेजेस निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना रखा है, सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो हर एक कॉलेज के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि भाई किन बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ। एक जनरल कैटेगरी, अगर आपका स्कोर है लेस देन 40, तो आप लेस देन 40 अगर एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2025, और 2025 में आप अपना फर्स्ट टारगेट बनाओगे नीट, सेकेंड टारगेट आप बनाओगे एम्स नर्सिंग, और थर्ड टारगेट बनाओगे आप RUHS BSc नर्सिंग। ये तीन ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीन ऑप्शंस आप कंसीडर करके चलोगे इस बार। अगर आपने अभी तक 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो हमारा सिलेक्शन बैच ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिस सिलेक्शन बैच के अंदर हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑलराउंडर बैच है। तीनों एंट्रेंस एग्जाम में से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तीनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर प्लानर प्रोवाइड कराया जाएगा। डे टू डे आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस कब फिनिश हो जाना चाहिए, तीनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपका सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम कराया जाएगा, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड कराया जाएगी। इफ यू वांट, आप हमारे सिलेक्शन बैच में इनरोल करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, बट प्लीज इंश्योर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की लाइव क्लासेस मिलेगी, और अगर एम्स नर्सिंग है तो आपको जीके की लाइव क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा दी व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा उसी में डाउट आता है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट एंड बेस्ट टीचर्स। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको मॉड्यूल्स मिलेगा, आपको PYQs मिलेगा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब टिल द डेट ऑफ एग्जाम। आपका नीट हुआ, ऐसे नहीं कि नीट होते ही आपका इंटर्नशिप नहीं होगा, नीट के बाद आपका एम्स नर्सिंग तक हम आपका साथ देंगे, उसके बाद आपके RUHS तक, तीनों एंट्रेंस एग्जाम टिल द डेट तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे भी एज वेल एज गूगल मीट पे भी। आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप कहाँ पे अटक रहे हैं प्रिपरेशन में, सिलेबस नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों की 1-on-1 गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी इस सिलेक्शन बैच में। अगर आप सिलेक्शन बैच में इनरोल करना चाहते हैं सो जस्ट DM अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9877060263, एंड प्लीज अनवांटेड क्वेरीज के लिए, कोई भी रैंडम क्वेरीज के लिए आप मैसेजेस मत करें। आप सिर्फ अगर आपकी सिलेक्शन बैच में इनरोलमेंट की या फिर कोई जेन्युइन क्वेरी है, आप तभी हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करें, अनलेस आप हमारा कमेंट सेक्शन में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किन बच्चों को अपना सिलेक्शन बैच में इनरोल करना है। तो जनरल कैटेगरी अगर आपका लेस देन 40 है, आप OBC या फिर EWS कैंडिडेट, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 38, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मत पढ़ो 2024 में कि आपको सीट मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। एक SC कैंडिडेट लेस देन 35 और ST कैंडिडेट लेस देन 30, भाई इन बच्चों को मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि आप काउंसलिंग के लिए प्लीज प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके अपनी 2025 के, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ईयर आप स्पेंड कर चुके हो, सितंबर मिड भी जा चुका है हमारा, वो बच्चे जो 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने उन बच्चों को पढ़ते हुए हो चुके हैं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा छोटा मोटा कॉलेज लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, 4 साल वेस्ट हो जाएंगे, इससे बेटर 1 साल का ड्रॉप लो, प्रिपरेशन करो अच्छे से, उसके बाद गो इनटू द बेस्ट एंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, इफ यू फाइंड कि हाँ भाई दिस इज द बेनिफिशियल वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। काउंसलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि RUHS की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई काउंसलिंग के लिए आप लोग प्लीज RUHS की हेल्पलाइन नंबर पे जाके उनको मेल करो एंड जस्ट आस्क योर क्वेरीज कि व्हेन विल द काउंसलिंग विल स्टार्ट, सो दैट आपके पास एक क्लियर कट आंसर हो उस चीज। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन, एंड बहुत जल्दी आई एम प्लानिंग टू शेड्यूल अ लाइव सेशन स्पेशली RUHS वाले बच्चों के लिए, सो दैट उनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। ओके देन, बाय एवरीवन।